प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर सुमन जैन और पुनः इस कड़ी से जुड़ जाती हूँ और आपके साथ माधवी के संदर्भ में अपनी बात रखती हूँ। माधवी चौंक जाती है। उसे लगता है कि गालो उससे कुछ छिपा रहा है। गालो ने कहा कि माधवी, हम जिस काम के लिए मिले थे वह काम संपन्न हो चुका है। अब मैं गुरु भार से मुक्त हुआ और तुम भी मुक्त हो गई। माधवी ने कहा कि हम तुम्हारा अभिप्राय समझे नहीं। गालो ने कहा कि मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता क्योंकि तुम हमारे गुरु के आश्रम में रह चुकी हो। जो स्त्री मेरे गुरु के आश्रम में रह चुकी हो उसे मैं अपनी पत्नी कैसे मान सकता हूँ? माधवी, तुम सीधी बात क्यों नहीं कहते? दिल में तुम्हारे वासनाएं कुलबुलाने लगी हैं। ऊपर से तुम आदर्शों और मर्यादाओं की बात करते हो। गालो, यह मर्यादा पालन है माधवी। हम सारा वक्त कर्तव्य की तीखी धार पर चलते हैं। माधवी उत्तर देती है, चलते नहीं दूसरों को चलाते हैं गालो, यही तो विडंबना है। और संसार तुम्हें ही तपस्वी और साधक कहेगा, मेरे पिता को दानवीर कहेगा और मुझे चंचल वृत्ति की नारी, जिसका विश्वास नहीं किया जा सकता, यही ना सोचेगा संसार हमारे विषय में। नहीं माधवी, गालो कहता है, मैं सच्चे दिल से तुम्हारा आदर करता हूँ। माधवी, मैं तुम्हारे प्रति कृतज्ञ हूँ। माधवी, मुझे तुम्हारा आदर नहीं चाहिए। गालो, न ही कृतज्ञता। मुझे जो चाहिए था वह तुम्हारे पास नहीं है। कुछ अंश यहाँ पर इतने महत्वपूर्ण हैं जो माधवी के माध्यम से आए हुए हैं, इसलिए विद्यार्थी इस बात का अनुभव करेंगे कि दो तीन ऐसे पैराग्राफ हैं जो आपकी पुस्तक से हम सीधा ही पढ़ रहे हैं। गालो कहता है कि माधवी, मैं तुम्हें सुखी देखना चाहता हूँ। माधवी, मैं भी तुम्हें सुखी देखना चाहती हूँ गालो, और स्वतंत्र भी। गालो कहता है, क्या कहा माधवी? अब माधवी अपनी बात को पूरी तरह से कहती है और वह बातें सामने स्पष्ट होकर आती है जो उसने अपने जीवन में निर्णय लिया है, जिसका इंतजार नाटककार अभी तक कर रहा था। वे संदर्भ हम आपके सामने बता रहे हैं, आप चाहें तो इसे अपनी पुस्तक में भी देख सकती हैं। माधवी, हाँ स्वतंत्र भी, तुम पूर्णतः स्वतंत्र हो गालो। मैं तुम्हें बांध कर नहीं रखूंगी। वे दिन भूल गए जब तुम कहा करते थे कि तुम महलों के आसपास मंडराते रहे हो ताकि तुम्हें मेरी छाया की नज़र आ जाए। मैं वही माधवी हूँ गालो, तुम किस माधवी के लिए छटपटाते रहते थे। मैं तुम्हारे लिए केवल निमित्त मात्र थी। जब तुम मेरे सामने अनुनय विनय कर रहे थे तब भी तुम झूठ बोल रहे थे। तुमने केवल एक ही व्यक्ति से प्रेम किया है और वह अपने आप से, पर मैं तुम्हें पहचानते हुए भी नहीं पहचान पाई। मैं सारा वक्त यही समझती रही कि गालो सच्ची साधना और निष्ठा वाला व्यक्ति है। तुम भी गुरुजनों जैसे ही निकले गालो, और बहुत ही कटु मुस्कान के साथ वह बोलती है कि सच में तुम एक दिन ऋषि गालो बनोगे। तुम निश्चिंत हो जाओ गालो, तुम सचमुच स्वतंत्र हो। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकती। शरीर की शिथिलता तो दूर हो सकती है गालो, मैं अनुष्ठान करके फिर से युवती बन सकती हूँ, पर अब मैं दिल से युवती नहीं हूँ। मैं तो वह माँ हूँ जिसकी गोद भरती गई और खाली होती गई। अब तो संतान धारण करने से ही मुझे डर लगता है। संतान धारण करने का
मेरे लिए केवल एक ही अर्थ है, अपने बच्चे को खो देना। ऐसी स्त्री तुम्हारे किस काम की? गालो, फिर तुम करोगी क्या माधवी? माधवी हंसकर, मैं तुमसे कहा करती थी ना, चलो गालो, कहीं भाग चले। आज मैं अपने दिल की वही साध पूरी करने जा रही हूँ, मैं यहाँ से भाग रही हूँ। गालो तुरंत बोलता है, नहीं माधवी, तुम फिर से अनुष्ठान कर अपना पहला रूप धारण कर सकती हो। माधवी, मैं तुम्हें पाकर अपने को धन्य मानूंगा। माधवी मुस्कुराती है, तुम फिर से अपने को धोखा दे रहे हो गालो, यह छिछली भावुकता किस काम की? यौवन और रूप तो मिल जाएंगे, पर अपने इस दिल का क्या करूंगी जो छलनी हो चुका है। गालो, नहीं माधवी, मैं तुमसे अनुनय करता हूँ, तुम फिर से अनुष्ठान करके युवती बन जाओ। माधवी, तुम भावुक हो रहे हो मुनि कुमार, तुमने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब मुझे मेरा कर्तव्य पूरा करने दो। संसार बहुत विशाल है गालो, मैं उसमें निश्चय ही मेरे लिए कोई न कोई स्थान होगा। माधवी द्वार की ओर बढ़ जाती है, वहाँ से मुड़कर, तुम जाओ गालो, गुर्जन तुम्हारी राह देख रहे हैं, युगों युगों तक तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिलता रहे, मैंने अपनी भूमिका निभा दी। और माधवी आश्रम छोड़कर चली जाती है। अंत में हम लोग देखते हैं कि विश्वामित्र जो है राह देखते हैं, और अंतिम शब्द नाटक में आता है कि माधवी कहाँ है। वास्तव में हमारे विद्यार्थी मित्रों, माधवी अब वहाँ नहीं है। माधवी को जो निर्णय बहुत पहले लेना चाहिए था, वह निर्णय उसने तमाम परिस्थितियों को जीते हुए, संघर्ष करते हुए, उन परिस्थितियों का अनुभव करने के बाद उसे यह ज्ञान आया कि वास्तव में जीवन का क्या सत्य है और क्या असत्य है, क्या मुझे करना है और क्या मुझे नहीं करना है। प्रकृति हर मनुष्य को अवसर देती है कि तुम्हें कौन सा कार्य करना है और कौन सा कार्य नहीं करना है, लेकिन यह मनुष्य के विवेक पर निर्भर करता है, उसके ज्ञान पर निर्भर करता है कि वह अपने किस मार्ग का चुनाव करेगा। अंततः माधवी ने अपने सही मार्ग का चुनाव किया, अब वह एक स्वतंत्र चेता, विवेकशील, ज्ञान संपन्न स्त्री है।